अब हम आपको मिलवाते हैं सिंध की धरती के एक ऐसे फनकार से कि जिनकी आवाज़ सिंध की मिट्टी की आवाज़ है। जब वो गाते हैं तो सुरीली आवाज़ में सिंधी ज़बान की जो मिठास है वो नज़र आती है और हमारे कानों में भी रस घोलती है। उनके गाने का अंदाज़ ऐसा है कि जैसे उलझी हुई तानों को कोई सुलझा रहा हो। ये हमारे स्क्रिप्ट राइटर का कमाल, बहुत अच्छा लिखता है वो। उसमें मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ मिर्ची मसाला ऐड कर देता हूँ तो एक अच्छी डिश बन जाती है। लेकिन अब जिससे मिलवाना चाह रहा हूं मैं आपको, वो भी मौसीकी की बड़ी जबरदस्त डिशें बनाते हैं और उन्होंने कुछ अर्सा पहले अहमद रुश्दी साहब का जो गाना था कोको कोरीना, वो जब उन्होंने सिंधी में गाया तो कमाल कर दिया। क्या उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी और सोशल मीडिया पर किस तरीके से वो मकबूल हुए, तो हम आज मुलाकात करवा रहे हैं आपकी सिंधी जबान के मशहूर गुलकार जिगर जलाल से। अस्सलाम वालेकुम जिगर, कैसे हैं ये बताइए। और ये बताइए कि आप नबी बख्श चांडियों से जिगर जलाल कैसे बन गए? बाबा वालेकुम अस्सलाम, आपकी बड़ी मेहरबानी। बाबा ये बस मेरी जिगर जलाल नबी बख्श से जिगर जलाल वो कंपनी वालों ने बनाया, क्योंकि मेरा उस्ताद जो जलाल चांडियो था तो उसी का जो मैं थोड़ा आलाप लगाता हूँ तो वो इसी वजह से ये जिगर जलाल बन गया। अच्छा, तो आपको ये गाने का शौक कैसे हुआ? किस किस को आप देख के गाना आपने सीखा? किस को देख के आपने जब सुना तो आपने कहा कि बस मैं यही काम करूँगा? बाबा ये उस्ताद जलाल को ही सुना मैंने, क्योंकि मेले हमारे गांव में उसे पासे में लगते थे तो मैं उधर जाता था, उस्ताद का गाना सुनता था। तो उस्ताद का गाना सुनते ही मुझको भी ख्वाहिश हुई कि मैं भी गाने वाला बनूं। और आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई? जी सर। सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने जो मशहूर गाना गाया कोको कोरीना, जो गाना सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ आपका सोशल मीडिया पर, सबने सुना सबने पसंद किया, तो अब अगर आप बैठे हैं और हमारे सामने वो गाना ना गाएं तो फिर बात अच्छी नहीं होगी, तो ज़रा हो जाए फिर कोको कोरीना। हाँ बिल्कुल, हो सुनाते हैं। ओ मेरे ख्यालों पेश आई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मौसूम से भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, मेरे ख्यालों पेश आई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मौसूम से भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा ये बताइए कि अब आगे किस गाने का इरादा है, आगे इस तरह का कौन सा ऐसा हमारा गाना है जिसको आप इस तरह से इस सुरताल के साथ रंग में गाएंगे? अभी तो गाने तो माशाल्लाह उर्दू मैंने बहुत किया है, समी मेरी वाल लठे की चादर और काफी किया है, एक कवाली भी की है। अभी जो गाना बनवा रहे हैं एक है वो पीने खाने के का एक गाना है, वो तैयार कर रहे हैं, देखें। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त। तो अब जब आप जी मौजूद हैं हमारे यहाँ पर तो आखिरी चीज़ जो मैं चाहूँगा वो ये कि सिंधी ज़बान की जो गीत है, जो मौसीकी है, वो बड़ी ज़बरदस्त है, तो अगर थोड़ा सा मुजाहिरा आपका सिंधी ज़बान के कोई मशहूर गाने का हो जाए तो फिर और मज़ा आ जाएगा, चार चांद लग जाएंगे प्रोग्राम को हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। ओ जड़ी थई मस्त जवानी तेड़ी आ रात सुहानी, जड़ी थई मस्त जवानी तेड़ी आ रात सुहानी, वे हो यार कयो प्यार छड़े वन्या वन्या, ओ छड़े वन्या वन्या, जड़ी थई मस्त जवानी तेड़ी आ रात सुहानी, वे हो यार कयो प्यार छड़े वन्या वन्या, वो छड़े वन्या वन्या, जड़ी थई मस्त जवानी। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया जिगर जलाल साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह मजे मजे के गाने बनाते रहें और आपको हम प्रोग्राम में लेते रहें तो आप हमें यहाँ आकर सुनाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का, मेहरबानी, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी।